हे एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपके साथ, और आज इसमें बात करने वाले हैं जो अब ICR ने डेटा रिलीज़ किया है कि कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था ICR का, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल कितने परसेंटाइल पर कौन सा रैंक हो सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। तो चलो, वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि किस परसेंटाइल पर आपका कौन सा रैंक है। देन हम आपको ICR फ्री काउंसलिंग, जो कि इस चैनल का मेन मोटो है कि आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कैसे आपको फ्री काउंसलिंग के थ्रू आपको चॉइस फिलिंग दी जाएंगी। देन आपको टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करना किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए। जो आज आया था परसेंटाइल, वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कितने स्टूडेंट वाला, तो वो भी आपको इसी पर मिल जाएगा। तो देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल डाटा में लिखा हुआ था कि 122,993 स्टूडेंट ने आपका ICR का एग्ज़ाम दिया था ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम। और इस डाटा के अनुसार मैंने अपना परसेंटाइल वर्सेस रैंक निकाला हुआ है, तो आप अच्छे से देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर वीडियो ये अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक ज़रूर करना। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको फ्री काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें। और आगे चलो, वीडियो में बात कर दें। अगर किसी भी बंदे का रैंक 99% है, तो उसका 1230 रैंक होगा। ये हमने अभी जो ICR ने डाटा रिलीज़ किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। अगर उसका 98% है, तब आपका 2460 के अप्रोक्स उसका रैंक होगा। और अगर 97% है, ये परसेंटेज नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना, परसेंटाइल है, 97% है, तो आपका 3690 आपका रैंक होगा। अगर 96% है आपका, तो 4920 आपका रैंक होगा। देन आपका 95% है, तो 6150 रैंक होगा। देन आपका अगर 94% है, तो आपका रैंक 7380 रैंक होगा। और अगर 93% है, तो आपका 8610 रैंक है। और आपको मैं बता दूं, अगर जिसकी भी OBC और जनरल वाले कैटेगरी के बंदे का 10,000 से कम रैंक है, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग उनको 10,000 से कम रैंक में आपको BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का कोर्स मिला है। जैसा कि नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि 10,000 रैंक पर भी BSc एग्रीकल्चर मिला था। तो आपको अगर जिसका 92 से ऊपर है BSc जनरल और OBC के स्टूडेंट का, तो वो समझे कि उसको BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। देन देखिए, आपका 91 अगर आपका परसेंटाइल है, तो आपको 11070 रैंक होगा। और आपका 90% है, तो आपका 12300 रैंक होगा। बेसिकली अगर आपका रैंक 90.123 है, तो आप इसके बीच का अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं, 11000 और 12000 के बीच में मेरा रैंक होगा। देन आप देखिए, जिसका 85% है, अब आपको भैया 86-87, तो आपको मैंने एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बताया है वीडियो में, कि कैसे आपको रैंक में किसी परसेंटाइल को रैंक में कन्वर्ट करना है, और उसको भी मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे खुद भी एक बार अच्छे से कर पाओगे। बेसिकली होता क्या, मैं आपको बेसिक बताता हूँ। आपको क्या करना, 100 में से आपका जितना परसेंटाइल है, उसको माइनस करना है अपॉन 100 इनटू कितना अपीयरिंग स्टूडेंट था, और इसको प्लस वन से आपको कर देना है। आप जैसे इसको प्लस वन ऐड कर दोगे, और इससे आप अपना परसेंटाइल यहाँ पुट करके निकालोगे, तो आपका रैंक निकल जाएगा। आपका जितना भी रैंक है, आप उसको इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर आपका 80% है, तो आपका 24599 रैंक है। आपका अगर 75% है, तो आपका 30749। तो आपको बता दूँ, जिसका 75% से अबव है, 75% तक है SC और ST में, तो मैं आपको बता दूँ भाई, आपको BSc एग्रीकल्चर मिल जाएगा, अगर 75 तक भी आप हो। देन अगर आपका 70% है, तो आपका 36898 रैंक होगा। और अगर आपका 65 है, तो देन आपका 43,048 रैंक होगा आपका। अगर आपका 60% है, तो 49,190 आपका रैंक होगा। देन हम बात करते हैं, अगर आपका जो परसेंटाइल है, वो अगर आपका 55% हुआ, तो आपका 55,347 रैंक होगा। और अगर आपका रैंक 50% है, तो आप आइडिया लगा सकते हो, 61,497 रैंक होगा।
बेसिकली मैं आपको पिछली वीडियोज़ में अपनी ICR फ्री काउंसलिंग की प्लेलिस्ट वाली वीडियो में जर्नल OBC के BSc एग्रीकल्चर का क्या कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर उसका सब वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप कॉलेज वाइज उनको देख सकते हो कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ गया था, आप उसका एक अपने माइंड मैप तैयार कर सकते हो, आप एक डाटा को अपने कॉफ़ी में लिख सकते हो कि हाँ इस कॉलेज का फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम रैंक पे हमको पहले में कॉलेज मिला है, तो इसको अपने सेपरेट रखो। फिर देन मैंने और भी आपको फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर के किस कॉलेज का कितना फ़ी है, दो सेमेस्टर एक ईयर का कितना फ़ी है, तो आप उसको भी देखें जिससे आपको फ़ी का भी आइडिया होगा कि कितना फ़ी लगेगा, उसी अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करें। तो आपको देख लो दोबारा से, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देख ली 99, 98, 97, 96, 95 के ऊपर और आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। देन हम बात करते हैं ICR की फ्री काउंसलिंग। अब कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर आप कैसे हमको चॉइस फिलिंग कराओगे, अब मेरा हेल्प करना, तो मैं आपको बता दूँ अभी तक मैंने आपको मेरे चैनल पर आप विजिट करना, जैसे आप विजिट करोगे तो आपको जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन आता है तो उसमें पहला सेक्शन मिलेगा आपको, उसमें लिखा होगा ICAR फ्री काउंसलिंग वाले जो प्लेलिस्ट होगी इसमें आप जाके वीडियोस को सर्च करना। इसमें मैंने आपको BSc एग्रीकल्चर का OBC SC ST और अपना जो PC इसका भी कवर किया हुआ है, क्योंकि एक बंदे ने बोला था PC के लिए तो उसको भी कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि इस चैनल का मोटो हर एक स्टूडेंट का हेल्प करना है, किसी व्यूज़ के कोई नहीं कि अगर आप नहीं देखेगा उसको भी, फिर भी मेरा वो डालना था उस वीडियो को, फिर भी मैंने उस वीडियो को अभी कुछ रिसेंट आई थिंक एक आवर पहले ही अपलोड किया उसको। तो आपको क्या करना है कि उनको देखना है अच्छे से कि आपको BSc एग्रीकल्चर आपका इतना मार्क्स रहा है तो मुझे कौन सा कॉलेज लेना है और किस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चैनल पर जाके विजिट करना, प्लेलिस्ट में देख लेना, नहीं तो आप चैनल में वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके थंबनेल से चेक कर सकते हैं। हाँ, अब बताने वाला था ICR फ्री काउंसलिंग के बारे में। बेसिकली इस चैनल का मेन मोटो यही था कि ICR के कैसे जो स्टूडेंट लाइक बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ICR की काउंसलिंग कैसे करें, वो पेड भी नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया आप ही बताओ। तो देखो कुछ काउंसलिंग मैंने लास्ट ईयर का डाटा देखने के बाद और उससे लास्ट ईयर के किस को कौन सा कॉलेज किस रैंक तक मिल रहा है, तो मैं आपको क्या करूँगा अभी तो जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता उससे पहले मैं आपको कॉलेज वाइज, जैसे कि मैंने आपको BSc एग्रीकल्चर का मैं बता चुका हूँ, हॉर्टिकल्चर में मैंने OBC और जनरल की लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज किस रैंक तक मिला था वो मैं कवर कर चुका हूँ, आगे भी मैं आपको ST SC का फॉरेस्ट्री फिशरीज और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BTech डेयरी टेक्नोलॉजी BTech फूड टेक्नोलॉजी का भी कवर करूँगा। तो जैसे ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके बाद आपका जैसे अब आज अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया तो एक वीक के इंटरवल के बाद में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो उस एक वीक के बीच में मैं आपको कैटेगरी वाइज अगर आप OBC से हो ST से हो जनरल से हो और रैंक वाइज अगर आपका रैंक कितना है, अगर आप इस रैंक के बीच में हो, अगर आप इस रैंक के बीच में हो तो आपको कौन कौन सा चॉइस फिलिंग करना चाहिए, तो मैं आपको 15 कॉलेजेस, पहले 10 का सोचा था लेकिन मैंने 10 के जगह 15 कॉलेजेस का आपको 15 कॉलेजेस बताऊंगा कि ये 15 कॉलेजेस आप फिल करना है आपको, और उनके रीज़न भी बताऊंगा आपको एक एक कॉलेज का कि ये कॉलेज आपको क्यों फिल करना है। देन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आपका जो भी आपका फी स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रख के उनको प्रेफरेंस दूँ, उसके लिए टाइम लगेगा लेकिन मैंने उस टाइम को भी इन्वेस्ट करूँगा। देन आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है अभी जाके, अभी आप मैं इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या होगा कि मैं आपको अगर बाई चांस वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो मैं आपको एक नोटबुक में या किसी भी PDF के थ्रू आपको आपकी जो चॉइस लिंक हो उस टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, और जो भी मेरे पास PDF होगा आपके ICR से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन का PDF होगा तो मैं उसको चैनल पर ही डालूंगा, देन आप जिससे आपको आराम से वहां डाउनलोड कर सकते हो आप। तो उसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है कि देन आपको ऐसा लोगो मिल जाएगा उस चैनल का स्टडी एटिक, अगर आपको ऐसा नहीं मिले तो आप ये टाइप कर लेना, आपको फिर आपको भी उसके जो सर्च बार आता है टेलीग्राम के ऊपर वाला उसमें आपको इसको लिख लेना @study@tech, इसमें गैप मत देना 786 लास्ट में लिख के सर्च कर लेना और इसको आप ज्वाइन कर लेना। इस पर आपको सब PDF मिल जाएंगे, आज का भी PDF। और हाँ, लास्ट इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने वाला हूँ कि मैं कल लाइव आने का प्लान कर रहा हूँ, लाइव एक आपका जो भी डाउट होंगे जितना भी आपका आप पूछोगे जो भी डाउट पूछोगे मैं उसका
उस डाउट को कवर करूँगा। तो आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा, इसमें जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको मैं टाइमिंग का एक पोल दूंगा, उस पोल में आपको बताना जितना जिस टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा पोल होगा उस टाइमिंग पे आपका लाइव सेशन लिया जाएगा। तो आप जाके पोल में ज़रूर प्लीज़ पार्टिसिपेट करें और इस फ्री काउंसलिंग का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। और देखिए, फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसमें क्वालिटी नहीं दिया जाएगा, आपको सब चीज़ कवर किया जा रहा भाई, मेरा समझो तो सही आप अच्छे से। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि नहीं हम फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं, लोग पेड करा रहे हैं तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जो पेड कराने वाले हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर पेड कराने वालों ने, मैं बताता हूँ आपको, मैं किसी को ना तो किसी को टारगेट कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ। अगर आप बताइए जिसका परसेंटाइल 98 आया है उसका आप काउंसलिंग करा रहे हो, डेफिनेटली उसको कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि उसका 92 से ऊपर परसेंटाइल आप तो कोई सा भी कॉलेज भरोगे मिलेगा ऑब्वियसली। अगर जिसका माना कि अगर OBC में जिसका परसेंटाइल कम है तो उसका आप करके बताओ, उसको कॉलेज दिला के बताओ, उसका आप श्योरिटी लो कि हाँ मैं इसको कॉलेज दिला के रहूँगा, ऐसे चॉइस फिलिंग कराऊँगा, उसका कोई नहीं लेगा। आपका अच्छा परसेंटाइल है तो वो तो ऑब्वियसली कॉलेज मिलेगा ना, तो कोई ना। और हाँ, इस पे भी कमेंट्स थे कि भैया परसेंटाइल से रैंक बताओ, तो आप इस वीडियो को देख लें, अब फिर भी आपको किसी भी पर्टिकुलर रैंक नहीं निकल पाता है मैथमेटिक्स वीक होने की वजह से, किसी भी रीजन से, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके आप हमारे से जुड़ सकते हैं और फ्री काउंसलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इतना ही इस वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।